हेलो। देखिए, आज अपन पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे। पार्शियल डिस्चार्ज हाई वोल्टेज केबल में क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। क्योंकि अभी देखिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जेईई 2013 में। अब देखो, पार्शियल डिस्चार्ज को अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊँ ना कि क्या होता है, तो ये होता है, इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ इंसुलेशन विच इज़ सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज। मतलब इंसुलेशन होती है ना, उसका एक स्मॉल एरिया क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज की वजह से। अब देखो, अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये दो कंडक्टर लग रखे हैं, पहला ये ऊपर ब्लैक में और ये दूसरा नीचे ग्राउंड कंडक्टर, ठीक है। अब बीच में है क्या अपनी इंसुलेशन। अब इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो होती है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि जब ये इंसुलेशन बनती है ना, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे चाहे वो इंसुलेशन जो हो गैसियस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, उसमें डिफेक्ट रह जाता है। डिफेक्ट में क्या होता है, एक वॉइड सा बनता है, ठीक है, किसी एरिया में इंसुलेशन के। अब ये वॉइड बन गया, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इंसुलेशन में ये वॉइड बना। अब इस इंसुलेशन में जो ये वॉइड बना है, इसकी जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो कम होती है, ठीक है। जो सराउंडिंग है, जो इस इंसुलेशन की परमिटिविटी होनी चाहिए, इससे कम होती है। कम होती है तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो परमिटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। मतलब इस वाले एरिया में, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि ये हाई वोल्टेज एरिया में, तो ये क्या करेगी, इंसुलेशन यहाँ पे एक फ्लैश ओवर आ जाएगा, मतलब एकदम से हाई वोल्टेज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हाई होने से। अब ये हाई वोल्टेज से क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, जो वॉइड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या डेटोरेट होना शुरू कर देगी ये इंसुलेशन। तो इसी फेनोमेना को अपन बोलते हैं पार्शियल डिस्चार्ज। अब देखो इसके बारे में और देखते हैं अपन, मैंने और थ्योरी लिखी है। अब देखो यही वाली बात मैंने लिख रखी है, फ्लैश ओवर ऑफ पार्ट ऑफ इंसुलेशन सिस्टम ड्यू टू लोकलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन द डायलेक्ट्रिक विदस्टैंड कैपेबिलिटी ऑफ दैट पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फ्लैश ओवर हुआ था, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो डायलेक्ट्रिक कैपेबिलिटी थी इस इंसुलेशन की, उससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, तो ये क्या करी, डेटोरेट कर गई या फ्लैश ओवर हो गया, ठीक है। इसकी जो विद जो झेलने की जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी, उससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैश ओवर हुआ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिख रखिए, ऑफ दैट पार्ट वेयर द ओवरऑल इंसुलेशन सिस्टम रिमेन केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो जो हुआ था, फ्लैश ओवर हुआ था, वो सिर्फ इसी एरिया में हुआ था, बाकी दूसरा जो इंसुलेटिंग सिस्टम था वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो यही वाली बात यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये देखो, दिस ब्रेकडाउन डज नॉट अकर एट एंटायर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, हैंस इट इज टर्म्ड एज पार्शियल। अब आपने देखा होगा ऊपर जो डिस्चार्ज हुआ, ठीक है ना, वो पूरी इलेक्ट्रोड के बीच में थोड़ी ना हुआ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर एरिया में हुआ, ठीक है ना, पार्शियल, ठीक है, इसीलिए इसको पार्शियल डिस्चार्ज बोलते हैं। ये पूरा ना हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, ठीक है ना, यही बोल दिया, इसलिए पार्शियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच डिस्चार्ज इज यूजुअली स्मॉल। देखो इस डिस्चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है, हाउएवर दे डू कॉज प्रोग्रेसिव डिटोरेटिंग ऑफ इंसुलेशन दैट मे लीड टू इवेंचुअल फेलियर। अब ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड तो स्मॉल होता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोग्रेसिवली होता ही रहता है डेटोरेट, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक दिन ऐसा आता है कि पूरी इंसुलेशन फेलियर कर जाती है, ठीक है। द मटीरियल इन अ वेल डिजाइन इंसुलेटर विदाउट एनी डिफेक्ट विल हैव नियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ये वाली बात मैंने बताई दी थी, दो कंडक्टर लग रखे थे, ठीक है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो तो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या होता है, पुअर डिजाइन और अ डिफेक्ट इन द मटेरियल विल क्रिएट अ हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ओवर द एरिया। जैसे कि अपन ने देखा था, वो पुअर डिजाइन होती है, ठीक है ना, वॉइड रह जाता है बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो हो गई कम, तो रिलेटिव परमिटिविटी कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक है। अब ये लिखा है, पी डी विल अकर एट एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सीड द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, ठीक है ना। तो ये वाली बात भी मैंने ऊपर समझाई थी कि जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अपन को पता है वो उसको डेटोरेट कब करेगी, उसको सिंपल शब्दों में फाड़ेगी कब, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा एक्सीड कर गई, तभी तो इंसुलेशन फेलियर होता है। ये आप पता ही होगा, जैसे बिजली गिरती है तो बिजली इतना पोटेंशियल डेवलप करती है कि भैया जो एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है उसको फाड़ती है, तब जाके वो अपने लिए कंडक्टिंग पाथ बनाती है। तो वही सिस्टम सिमिलर यहाँ पे, और वो हर जगह यही फॉलो होता है। अब रीज़न फॉर पोटेंशियल डिस्चार्ज इन इंसुलेटिंग मटेरियल, मैंने कहा डिफेक्ट की वजह से होता है, तो आप ये भी देख लो कौन कहाँ पे कैसा कैसा होता है। एक सॉलिड इंसुलेशन में डिफेक्ट होता है, गैस फील्ड वॉइड बनता है, ठीक है ना, सॉलिड इंसुलेशन में गैस फील्ड वॉइड बनता है, लिक्विड इंसुलेशन में क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं, ठीक है।
अब एयर इंसुलेशन में ये दिखता है अपन को कोरोना की वजह से, अपन ने देखा ना एयर इंसुलेशन कोरोना, पता ही होगा दो तारों के बीच में जो बनता है, ठीक है ना, कोरोना इफेक्ट, ठीक है, ये तो विजुअल भी होता है, लेकिन जो अपना ये पोटेंशियल डिस्चार्ज है तो विजुअल भी नहीं होता। तो देखो मैंने इसको इस थ्योरी को वापस से यहाँ पे आपको एक बार और समझा रखी है। मैंने कहा था दो कंडक्टर होंगे, ठीक है, बीच में इंसुलेशन होगी, अब इस इंसुलेशन की कुछ स्ट्रेंथ होगी, इसलिए ये क्या हो रही है, कंडक्ट नहीं करने दे रही या फट नहीं रही, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को झेल सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक वॉइड बना, वॉइड बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ की जो परमिटिविटी है वो कम हो गई, परमिटिविटी कम हुई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से हाई वोल्टेज आ गया और डिस्चार्ज हुआ। ये देखो ये डिस्चार्ज का सिंबल है, तो ये क्या हुई, इतना हिस्सा क्या हुआ, डेटोरेट करना शुरू हो गया, बाकी हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये सिर्फ एक लोकलाइज हिस्से में होता है, लेकिन ये क्या है टाइम टू टाइम होता रहता है और इवेंचुअली एक दिन क्या होता है ये पूरा यहाँ से रास्ता जो पूरा ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब ये यही थ्योरी मैंने वापस से यहाँ पे भी लिख रखी ताकि आपको और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। बिकॉज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडरेबली लेस देन द सराउंडिंग डायलेक्ट्रिक, क्योंकि डायलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट था उस वर्ल्ड का वो क्या था, कम था, कैसे, सराउंडिंग डायलेक्ट्रिक से, जो मैं शुरुआत से बात बोल रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली हाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई सिग्निफिकेंटली हाई है देन अक्रॉस एन इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक, दूसरे जो जगह है डायलेक्ट्रिक से। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ये देखो द स्मॉल पैकेट ऑफ एयर इन द हाई वोल्टेज केबल प्रोवाइड, ठीक है, डैश रिलेटिव परमिटिविटी डैश इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज साइड्स ब्रेक डाउन इज लाइकली टू बी इनिशिएटेड, तो अपन को पता है लेस रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है, तो अपन को ये देख लिया, ये रहा लो और हाई ऑप्शन सी, ये SSC JEE 2013 में आया हुआ, ठीक है, थैंक यू।